आज हम बनाएंगे बाजरे के आटे की राब। उसके लिए चाहिए दही एक पाव और 2 चम्मच बाजरे का आटा, नमक और जीरा। सबसे पहले दही में हम पानी डाल देंगे इतना। अब इसको मट लेंगे, अच्छी तरह से फेंट लेंगे इसको। खट्टी छाछ बनानी इसकी। खट्टी छाछ हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन दही हो तो भी अच्छी। इसको पानी डाल देंगे दही के अंदर, इससे इसकी छाछ बन जाएगी। अब इसमें हम 1 चम्मच बाजरे का आटा लेंगे, धीरे धीरे हिलाएंगे इसको। थोड़ा सा और डाल देंगे, 1.5 चम्मच तक ले लेंगे। इतनी कम ज़्यादा हो उसके बाद में पता चलेगा। अब अपन को इसको गैस के ऊपर रख देंगे, गैस चालू कर देंगे। अब इसको हिलाते रहना है जिससे ये आटा मिक्स हो जाए। हिलाते रहना, ऐसे नहीं बंद कर दो आप। जब तक आटा मिक्स नहीं हो ना, जब तक हिलाते रहना जिससे इसमें गांठे नहीं हो, बारीक आटे की गांठे नहीं हो। जैसे जैसे ये गर्म होगा ना, वैसे वैसे ये गांठे सारी बारीक आटे की बिखर जाएगी। ये हम हिलाते रहेंगे, इसकी गांठे सारी बिखर जाएगी। ये हमारी देखो गांठे नहीं है बिल्कुल, एक तार हो गया है। इसको हिलाते रहना है। तो देखो राब बननी शुरू हो गई है, इसका गोल गाढ़ा होना शुरू हो गया है। यदि आपको लगे कि मतलब पतला है, या उसमें आप क्या कर सकते हो, या तो पानी नहीं तो खाटी छाछ डाल सकते हो। और यदि आपको लगे कि वह सही नहीं है, तो आप इसमें आटा भी गोल के डाल सकते हो। जिसको जिसको जाडी पसंद हो ना, वो बाजरी का आटा गोल के खाटी छाछ या पानी में इसके अंदर धीरे धीरे हिलाते हुए डालना है। लेकिन खाने पीने के लायक ये सही है, मीडियम साइज की, ना तो पतली ना जाडी। ये देखो उबाल आना लग गया है, धीरे धीरे उबल रही है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार 1.5 चम्मच नमक डाल देंगे, और जो पिसा हुआ जीरा था वो भी डाल देंगे। और अच्छी तरह से हिलाना है इसको। ये देखो उबाल आने लग गया, इसको कम से कम 2-3 उबाल आने तक पकाना है इसको। ये छोटे बच्चे जैसे 6 महीने के या 12 महीने के, उनके लिए बहुत ही पौष्टिक आहार है। उनको ये सुबह शाम पिलाने से फायदा रहता बच्चों के लिए। ये सबके लिए फायदेमंद है। राब में सोगरा चूर के खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और सर्दियों में राब बहुत ज़रूरी है। ये हमारी राब बनके तैयार हो गई है। इसको आप पी भी सकते हो, या बाजरे के सोगरे के साथ चूर के खा भी सकते हो। ये हमारी राब तैयार हो गई है। प्लीज़ कमेंट।
और लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय।